नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम। गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल दें यह विशेष चीजें। यदि गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं, तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं, तो वह अवश्य पूरा होता है। दोस्तों, गुरुवार जो प्रकृति है ध्रुव है, और गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे पूजनीय बार समझा जाता है, और भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, मतलब नवग्रह के लिए राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग, पानी ली और जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह अवश्य करना हमारे द्वारा बताए गए उपाय। कुंडली में यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ, जीवन में सब कुछ, जितने भी धन दावत सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं, सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय बताऊंगा, और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि के दिन क्या करना चाहिए, इसलिए दो। तो यदि कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते हैं, तो शत प्रतिशत आपको लाभ अवश्य होंगे। हम बहुत ढेर सा उपाय बताएंगे, जो उपाय आप बंद पड़े व्यापार को चलाने में मदद करेंगे। हमारे द्वारा बताए गए उपाय अवश्य करना, और वीडियो को बीच में छोड़कर के मत जाना बहुत ही विशेष होता है, और यह विशेष करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए हमें जो भी उपाय करते हैं है, जो भी क्रिया करें, जो भी टोटके अपनाते हैं, वह जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बस आसान क्रिया होता है, जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है, तो गुरुवार के दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या हरी अवश्य चाहिए। कार्य में सफलता पाने के लिए के चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रिकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन यह माथे पर लगा कर के जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं, और दिन ग्रह दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग ग्रह प्रवेश करना चाहते हैं, तो ग्रह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए कि इस दिन आप सोना खरीदते हैं, तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं, तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं, आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद करते हैं, अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं, तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है, और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं, तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके पश्चात दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए, ऐसे से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। और इसके पश्चात में आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि इस चैनल की जानकारी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों, जिसमें आपको इस तरह की ध्यान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे भी वर्ष नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से से है। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूँ। यदि किसी भी तरह की कोई कष्ट है जीवन में, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। आप तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं, तो लिख देना। और विशेष करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि भाद्रपद का
चल रहा है भाद्रपद का माहौल चल रहा है। भाद्रपद का माह बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, गुरुवार भाद्रपद माह नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पर्दे के दिन नमक डालकर के नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और विशेष करके यदि भाद्रपद का माह चले इसमें नमक डालकर के खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहाँ तक कि शरीर पे यदि आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत का करना। चावल दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे भाद्रपद माह के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख ले गए गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके यदि किसी को दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की निशानी बता रहा हूँ। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे महान ही होते हैं, जिनके सूर्य होते हैं ऐसे मानव साथ ही नहीं होते, ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनकी सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्त आप संबंधी होती है। यह कुछ लक्षण है। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुण और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं, इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदा जिसमें हाथ खुल घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरह मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए, गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार को दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में तृप्ति लाएंगे, आपको प्रधान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। यह जीवन के को दूर करता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सिर्फ ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिटा बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरा पान है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। यदि देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्र, माँ और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष है। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष है। यह हमारे जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे अपनी आँखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान, गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का पेट भर रहे हैं। तो भगवान आपको खूब सारा आशीष निर्वात देते हैं, वस्त्र का करते हैं। गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हटते हैं। तो यदि ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गोद दूध चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दो तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें, इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। यदि आपके कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें सफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं, असफलता के साथ साथ चर्म रोग बीमारी होना शुरू हो जाएंगे, चर्म रोग या फिर फोन संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दो और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि यदि बहते हुए जल में कोड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वह बलवान। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बताएं।
गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करना। सभी लोगों को कहना चाहूँगा गुरुवार के दिन यह अवश्य करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाए। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाए। दीपक तीन स्थान में जलाना। आप जो टीम का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाएं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें, बस उनका ध्यान कर लीजिए के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, वृक्ष के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है की होती है, दीपक की उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर भी का उपाय कर सकते हैं, तेल के रूप में सरसों या फिर भी का, सरसों का तेल या फिर भी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहाँ पर आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में। शिव मंदिर यदि जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल और आपके काम भी जल्द ही सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाएं। यदि के लिए वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है, तो यदि आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहाँ पर भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन करते हैं उसी समय यदि आपके रुके हुए हैं वह जल्दी जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में यदि सूर्य कमजोर वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले विशेष उपाय। और यह उपाय इतना ज्यादा फलकारी है क्यों? भगवान भोलेनाथ महाराज और यह वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय सभी बिगड़े काम जल्दी बनते हैं। सिर्फ एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने, विश्वास के साथ उपाय अवश्य करें। अब मिलेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।